फाइनली गाइस मौसम भी ऑसम हो गया और प्लेस भी ऑसम है, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे हम लोग। फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स। तो आपका भाई आपके सामने आ चुका है एक नए वीडियो को लेकर। अगर बात की जाए तो अभी हमें रामडीरा में, जिसका प्रखंड पड़ता है पिलैथू और जिला रोहतास में, हम आ चुके हैं एक नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ आपको आने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना होगा। हम लोग अभी 5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और आगे 1 किलोमीटर और पैदल जाना है। अब देख सकते हैं आपको वीडियो में पीछे पहाड़ दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमारे बीच पहाड़ की दूरी 1 किलोमीटर है, तो हम वहाँ चलते हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे का जो मतलब माहौल वातावरण है ना, कितना खूबसूरत है। चारों पट्टी खेती हो गई है धान की और पहाड़ का सीन है जो कि काफी अलग दिख रहा है और काफी मजा आ रहा है हम लोगों को। हम लोगों ने 5 किलोमीटर पैदल चल लिया बट ऐसा कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि हर तरफ हरा भरा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए माँ तुतला भवानी वाटरफॉल के पास। जैसा कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा हल्का हल्का, हमें तो यहाँ से दिखने लगा स्काई कलर का दिख रहा होगा वीडियो में आप लोगों को। तो गाइस एग्जैक्टली हम पहुंच चुके हैं 6 किलोमीटर पैदल चलकर माँ तुतला भवानी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और गाइस देखिए पहाड़ ही पहाड़ है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ तुतला भवानी वाटरफॉल और यहाँ का जो सीन है ना वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी यूनिक है। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ आने के बाद ऐसा सीन होगा। और देख लीजिए वहाँ वाटरफॉल गिर रहा है और इस साइड का व्यू देखिए, सब बच्चे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और यहाँ पे टूरिस्टों का भीड़ देखिए जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ तुतला भवानी वाटरफॉल के पास में। हम आगे इसलिए नहीं जाके शूट कर पा रहे कि आगे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इस कारण हम यहीं से आप लोगों को बता रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पहुंच चुके हैं और अब तक की जर्नी में हम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ये वाला रहा है। डिफिकल्ट तो रहा है बट यहाँ का सफ़र जो रहा है वो काफ़ी यूनिक रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप लोग वाटरफॉल देख सकते हैं इतना तेज़ी से वहाँ पे पानी गिर रहा है और आगे काफ़ी और भी ज़्यादा भीड़ है और इतना भीड़ हमें पहली बार कहीं देखने को मिल रहा है। पहला तो यहाँ वाटरफॉल और दूसरा यहाँ पे जो माँ तुतला भवानी के मंदिर है तो लोग उसके लिए भी यहाँ काफ़ी इकट्ठा होते हैं। आइए चलते हैं आगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस हम लोग के पास ना ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए हम लोग टिकट लेकर ब्रिज से नहीं गए, हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं वहाँ पे वाटरफॉल को नज़दीक से देखने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ आपको पानी में मतलब इस टाइप से पत्थरों को क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा और वहाँ जाइए तो लास्ट में आपको वहाँ पर वाटरफॉल क्लियरली दिखेगा। फाइनली गाइस मौसम भी ऑसम हो गया और प्लेस भी ऑसम है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर हम लोग। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। वो सस्पेंशन ब्रिज से तो हम पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग नीचे नीचे यहाँ मतलब कहा जाए तो ब्लैक से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। आइए हम बैक कैमरे से आपको यहाँ पे का व्यू दिखाते हैं जो कि काफ़ी अलग है।
और गाइस आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगा सस्पेंशन ब्रिज के लिए आसानी से। और ट्रेंड ये है ना गाइस कि यहाँ पे देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं घोड़े पे बैठकर। टिकट का फेयर है ना वो 5 रुपया, उसके बाद आप ब्रिज को मतलब सफर करके, और अगर भीड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर भीड़ है तो आपको काफी समय भी यहाँ पे वहाँ पे जाने में लग सकता है, मातृ भवानी मंदिर के पास। ये वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट है बिहार का, और यहाँ पे आज काफी भीड़ है संडे को लेकर, लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और साथ में वाटरफॉल को एंजॉय करने आए हैं। अगर आप भी पिकनिक स्पॉट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मातृ भवानी जो कि रोहतास जिला में है तो आप यहाँ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और गाइस मैं ब्लॉग का एंडिंग यहीं कर देता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम लोग जब वहाँ से लौट रहे थे ना तो गाड़ी कोई नहीं मिल पाया था, तो ये भैया हमें मिले और ये हमें यहाँ तक ला के छोड़ दिए चंदनपुरा तक, नहीं तो हम लोगों को फिर 6 किलोमीटर पैदल चलना आता। थैंक यू भैया छोड़ने के लिए।